आज के दिन सर सीवी रमन को नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। के नाम से प्रख्यात हमारी मैम डॉक्टर रेखा शर्मा मैम, संजय सर, बाकी यहाँ सभी उपस्थित हमारे सहयोगीगण और छात्र छात्राएं, मैं आपका बहुत बहुत अभिवादन और अभिनंदन करती हूँ। अब मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से ये आगे प्रार्थना करूंगी कि आप स्वागतम 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 मन की बगिया से हमने गलियां चुनी, श्रद्धा के फूल से हम माला बनी, कर दे है तुमको अर्पित सुमन आज हम, स्वागतम 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 मन की विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित आज इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि प्राचार्य प्रोफेसर आर के पांडे जी, महामंत्री शिक्षक संघ विश्वविद्यालय हमारे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जितेंद्र सिंह जी, एजुकेशन विभाग के हेड और छात्र कल्याण कोष के अध्यक्ष संयोजक प्रोफेसर शिव शरण शुक्ला जी, बॉटनी डिपार्टमेंट के हेड और प्रोफेसर श्रवण कुमार श्रीवास्तव जी, हमारे अनुज डॉक्टर संजय वर्मा जी, इस डॉक्टर स्मृति सिसिल जी, डॉक्टर प्रियंका श्रीवास्तव जी, डॉक्टर स्मिता सिंह जी, डॉक्टर मनीषा पाल जी, यहाँ पर उपस्थित सभी छात्र छात्राओं, भारत के भविष्य का इस मंच से मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। अभी बहुत अच्छी एंकरिंग कर रही स्मृति सिसिल ने बताया कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि सीवी रमन, जिसे रमन इफेक्ट कहा गया, और यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि पूरे एशिया में साइंस के क्षेत्र में पहला नोबेल प्राइज प्राप्त करने का श्रेय भारतवर्ष के महान वैज्ञानिक सर सीवी रमन को 1923 में मिला था। 1928 में उन्होंने शोध किया, 1930 में उन्हें नोबेल प्राइज दी जाती है, 1987 में भारत सरकार निर्णय लेती है कि इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए अब पूरे भारतवर्ष में एक पर्व मनाया जाएगा, एक दिवस मनाया जाएगा, और जिस दिवस का नाम होगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और आज के दिन हम सर सीवी रमन के कंट्रीब्यूशन को याद करते हैं और युवा पीढ़ी को जागृत करने का कि आप में भी बहुत स्किल है, आपके अंदर ऊर्जा भरी हुई है, आपका इग्नाइटेड माइंड है, केवल आपको दिशा देने की आवश्यकता है, आप भारत को विकसित भारत की श्रेणी में अवश्य खड़ा करेंगे। हम लोग तो डेवलपिंग कंट्री के नागरिक हैं, आप जब विभिन्न पदों पर आसीन होंगे तब तक भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होगा। इसीलिए इस वर्ष का जो टॉपिक रखा गया है बच्चों, वो आपको को सोचते हुए, आपकी कल्पना करते हुए, आपके कार्यों को का मूल्यांकन करते हुए किया गया है, विकसित भारत के लिए देशज तकनीकी, स्वदेशी तकनीकी, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत प्राचीन काल में भी अगर देखें, जब कोई एरोप्लेन नहीं जानता था तो पुष्पक विमान रामायण बार बार पूरे विश्व को संदेश देता है कि हमें उड़ने की भी क्षमता थी, पुष्पक विमान था, रावण उसी से सीता जी को लेकर गया था। इसी तरह राम भगवान रामचंद्र ने समुद्र को बांधने की टेक्नोलॉजी उनके पास थी और पुल बना दिया गया था, और नासा ने भी मान लिया कि हाँ यहाँ पर कोई पुल बनाया गया था, लंका से भारत को पुल के द्वारा जोड़ा गया। दिखाई देता है कि हाथी का सिर लगा हुआ है, ये ग्राफ्टिंग है, यानी उस समय आज भी ऐसा संभव नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी हमारी हाई थी। तो विगत हजार सालों में हम बहुत अपनी
अपनी टेक्नोलॉजी को खोते गए, पीछे चले गए और बहुत से इसके कारण है। भारत सरकार यही चाहती है कि गांव-गांव में जो टेक्नोलॉजी है, गांव-गांव में जो स्किल है वो उभर कर ऊपर आए और उसका डाटा तैयार किया जाए। हमारे यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, देशज टेक्नोलॉजी है, उसका अगर अभी भी हमने संग्रह कर लिया तो विकसित भारत के निर्माण में देशज टेक्नोलॉजी का अहम रोल होगा, मील का पत्थर साबित होगा। इसीलिए इस वर्ष का विषय ये रखा गया है। आज मैं इस अवसर पर यहाँ आमंत्रित अपने सभी अतिथियों का, अपने सभी छात्र छात्राओं का जो आशीर्वाद देती हूँ, बहुत बहुत आपका आभार भी प्रकट करती हूँ कि आपने इस एग्जाम पीरियड में इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी अमूल्य भूमिका निभाई है। अपने जय भारत जय विज्ञान। हमको रोज प्रेरणा मिले कि हमको ये करना है, बहुत दूर चलना है। बड़ी सुंदर धरा है, आप गर्व करें, बहुत सुंदर मन गुंडा है। गुंडा में गंदगी है, गुंडा में ये नहीं है, ये नहीं है, इसको कहने से काम नहीं बनेगा। आप केवल निगेटिविटी का शिकार होंगे। आप ढूंढिए गुंडा में क्या अच्छा है। गुंडा का मक्का पूरी दुनिया में जा रहा है। थोड़ा और आगे करेंगे तो 60 रुपए नहीं तो 200 रुपए की तो बनाता हूँ और बिक भी रहा। आप देखिए निकल करके गोंडा का बना हुआ तंबाकू नार्कोटिक्स है, लेकिन फिर भी पूरे देश में बिक रहा है, मार्केटिंग चल रही है। आपका यह क्षेत्र देवीपाटन क्षेत्र आज के 25 साल पहले अगर जाना जाता था, इट वॉज नोन बाई बलरामपुर चीनी उद्योग की जब बात करते थे, आय का क्षेत्र हो, अपनी दिनचर्या हो, सब में हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है। और ये बातें अब आपके लिए संविधान द्वारा की बात दिखाई की गई। हमने पढ़ा नहीं, उसका अनुसरण नहीं किया, आत्मसात नहीं किया। कल हम लोग एक कार्यक्रम में थे, आप लोगों के कार्यक्रम विज्ञान की प्रयोगशाला नेचर सबसे बड़ी है और उसने एक कॉम्बिनेशन बनाया डीएनए का और वो डीएनए कॉम्बिनेशन अपना आउटपुट दिए इस दुनिया से। तो किस व्यक्ति के अंदर क्या क्षमता है, कब वो एक्सप्रेस होगा, देश का विकास करना चाहते हैं, हाँ हम राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं। विज्ञान और तकनीकी भरे युग में एक नया इतिहास गढ़ना चाहते हैं, हाँ हम राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं। आरक्षण भरे युग में बेटियों को माँ के गर्भ में आरक्षण दिलाना चाहते हैं, हाँ हम राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, आई एम प्रिया शुक्ला, स्टूडेंट ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स। 28 फरवरी को पर्यावरण हम नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारे देश के महान वैज्ञानिक और एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन को उनके रमन इफेक्ट के लिए ये दिवस मनाया जाता है। आज विज्ञान, ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि एवं प्रत्येक क्षेत्र में होने वाली समस्याओं का निस्तारण पेश कर रहा है। आज भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, गहरे समुद्र, बायोफार्मास्यूटिकल्स जैसे बड़े बहुआयामी मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। आज भारत की स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विश्व में इस कदर वर्चस्व है कि हम विश्व में विकसित भारत के रूप में एक प्रतिस्पर्धी के रूप में अपनी छवि को उजागर कर रहे हैं। भारत की वही है जो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय में अपने वर्चस्व से विश्व में डंका बजा रहा है और उसी का परिणाम है कि महान अर्थचिंतक फ्राइडमैन ने अपने बुक द वर्ल्ड इज फ्लैट में विश्व के विकसित राष्ट्रों को ये चेतावनी तक दे डाली है कि उन्होंने अपने देश के युवाओं को शोध कार्यों के लिए प्रेरित नहीं किया तो आने वाले समय में सुपर पावर का सिंहासन भारत जैसे देशों से बचाना मुश्किल हो जाएगा। आज भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा स्टेटमैन सुपर पावर है। भारत में पहले 2 लाख साइंटिस्ट, इंजीनियर एवं टेक्निकल एक्सपर्ट निकल रहे हैं। भारत के आईआईटी एवं आईआईएम जैसे संस्थान विश्व स्तर के संस्थान बन चुके हैं। विश्व में मीडिया सोर्स संस्थान, नीतिगत संस्थान से लेकर विश्व के सर्वोच्च पदों पर आज भारतीय आशीन है। उसका नतीजा ये है, उसका परिणाम ये है कि हम लक्ष्य लेते हैं 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का। यदि हमारे देश के युवा एवं हमारी साइंस, हमारी टेक्नोलॉजी, ट्रेड, ट्रेडिशन, टैलेंट के बल पर हम अपने वर्क को सही ऑब्जर्वेशन के साथ
कार्य करते हैं 2047 तक निश्चित रूप से हम विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सकेंगे। विश्व के अनेक देशों का विश्व की महाशक्ति बनना ही उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता हो सकती है, पर भारत का विश्व गुरु बनना ये भारत नहीं अभी तो समग्र विश्व की आवश्यकता है। अपनी बात को समाप्त करते हुए अंतिम पंक्ति कहना चाहेंगे कि अभी कुछ जीत बाकी है, कुछ हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, चल बड़े है नई मंजिल की तरफ, ये तो महज पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान। अब मैं इसी कड़ी में प्रोफेसर जितेंद्र सर से आग्रह करूंगी कि वो अपने कुछ विचार आप सबके साथ साझा करें। विज्ञान दिवस इस अवसर पर इस कार्यक्रम की संयोजिता और गोंडा के लिए चाहे प्रदेश के लिए चाहे देश के लिए एक विज्ञान देवी के नाम से मशहूर हमारी बहन डॉक्टर रेखा शर्मा जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट के एचओडी प्रोफेसर एस एस सिन्हा सर, वर्किंग डिपार्टमेंट के एचओडी प्रोफेसर एस एस श्रीवास्तव सर, मनीषा पाल जी, स्मृति सुशील जी और मंचस कार्यक्रम को अच्छी तरीके से बनाते थे और आज का कार्यक्रम भी अच्छी तरीके से कम समय में रेखा जी ने डिजाइन किया और उसको संपन्न कराया। जितनी प्रशंसा की जाए उनका में परीक्षाएं चल रही हैं, सारे बच्चे इस समय सभी मोड में हैं, परंतु जब आप इस अभी आज के बाद में जो लोग साइंस कैंपस के इस गेट से घुसते थे, जो लोग इस रास्ते से आते हैं, तो गेट पे नाम लिखा रहता, क्या नाम होता सीवी रमन द्वारा, तो हमको लगता है आज के बाद आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि विज्ञान पर सबका इसका सीवी रमन द्वारा क्यों रखा गया। ऐसे जब आप इस डिपार्टमेंट के उधर से जाते हैं, उधर से एंट्री करते हैं, तो उस पर क्या लिखा हुआ है, जगदीश चंद्र बोस द्वारा, और वो उसके लिए भी मैं लिखा नहीं सकूंगा, कोई उसके लिए कार्यक्रम डिजाइन करें तो कम से कम बच्चे अपने जिस कॉलेज में जाते हैं उसके बारे में जाने। आज का जो टॉपिक है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, जो स्वदेशी टेक्निक्स है, स्वदेशी टेक्निक्स में हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन हमको अपनी शक्ति के बारे में लगता है कि बहुत कम, हम अपनी टेक्नोलॉजी से चंद्रयान 3 लॉन्च करके साउथ पोल पहुंच जहां पर कोई देश नहीं पहुंचा, तो ऐसा नहीं कि हम अपनी टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छे से काम करें, अपनी टेक्नोलॉजी से हम COVID-19 की वैक्सीन पूरे विश्व में सबसे पहले बनाने में सफल रहे, तो ऐसा भारत जो है स्वदेशी तकनीक से जो है विकसित भारत बन रहा है। रमन सीवी रमन सर के जो है नोबेल प्राइज जब उनको मिला तो वो पहले अश्वेत वैज्ञानिक थे, आप सोचिए उससे पहले किसी भी बगैर गोरे इंसान, गोरे मतलब हिंदुस्तान को गोरे नहीं बोला जाता था, अश्वेत व्यक्ति को, अश्वेत वैज्ञानिक को कोई इस तरह का नोबेल प्राइज नहीं मिला था, किसी एशियाई व्यक्ति को, अश्वेत तो थे एशिया में किसी व्यक्ति को नोबेल प्राइज नहीं मिला था, और भारत में तो मिला ही नहीं था, तो आप सोचिए उस समय की कितनी बड़ी उपलब्धि रहेगी देश के लिए। रमन इस कैंटीन पर रहता था, बात करी मेरा तो सब्जेक्ट ही फिजिक्स का है, सिंपल सी दबा दे आपको, जिस भी कलर की वेवलेंथ कम होगी उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगी, और इसीलिए आकाश नीला दिखता है और समुद्र नीला दिखता है, समझ रहे हैं। तो आज के इस अवसर पर मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूं, और आप जैसे ही वैज्ञानिक निकलते हैं यहाँ के बच्चे बहुत अच्छी चीजें कर जाते हैं, और रेखा जी को इस कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबने इस कार्यक्रम में बहुत समय निकाला और साथ ही साथ में जो बच्चों ने आज कल्चरल प्रोग्राम प्रस्तुत किया उसके लिए उनको बहुत बधाई, और मुझे इस कार्यक्रम में आप सबने बुलाया, ऊपर परीक्षाएं चल रही, ज्यादा समय नहीं दूंगा, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय
प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। मैं शबर सर से आग्रह करती हूँ कि सर कुछ अपने आशीर्वचनों से हमें भी अनुग्रहित करें। सभी लोग करतल ध्वनि से शबर सर का स्वागत करें। सभी लोग मंचस्थ हमारे वरिष्ठ डॉक्टर शुक्ला जी, हेड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, हमारी सहयोगी डॉक्टर रेखा शर्मा जी, उनके बगल बैठी हुई स्मिता जी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर स्मिता जी, और उनके बगल में बैठी असिस्टेंट प्रोफेसर मनीषा पाल जी, स्मृति शिशिर जी, मेरे प्यारे बच्चों, आज की थीम है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, जो हमारी इंडियन टेक्नोलॉजी है वो आज की थीम है। तो मैं इसी पे कुछ बातें करूंगा कि हमारा भारत जब आजाद हुआ उसके बाद हमारे लिए जो है अन्न की समस्या पैदा हो गई, खाद्यान्न की समस्या 1962 में बहुत ज्यादा ये समस्या हुई, और उस समय जो प्रोडक्शन था हमारे गेहूं का प्रोडक्शन और तमाम जो खाद्यान्न थे उसकी कमी थी और गेहूं की बहुत ज्यादा कमी थी, और उस समय प्रोडक्शन 10 मिलियन टन था, ठीक है। और उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जिनके नाम पर हमारा कार्य था, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और किसानों को प्रमोट किया, और उस समय जो है गेहूं की इतनी कमी हो गई कि अमेरिका से एक गेहूं मंगाया गया जिसका नाम लाल गेहूं था, जिसकी रोटी अमेरिका ने हिंदुस्तान को सबसे खराब वेराइटी का जो गेहूं था जिसको लाल वेराइटी गेहूं कहा जाता था उसको भेज दिया। उसके पास तमाम वेराइटीज थी उस समय, लेकिन हिंदुस्तान इसके पास कमी थी तो अच्छी वेराइटी न देकर के बहुत खराब वेराइटी जो उसने दिया, उस वेराइटी का से जो रोटियां बनती थी वो बनने के बाद तो टेढ़ी हो जाती थी, सूख हो जाती थी, और बहुत खराब वेराइटी थी, खाने में अच्छा नहीं था। और खुद हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक दिन हमारे साथ उनके प्रयास से क्या हुआ, हमारे यहाँ कमी क्यों हो गई, उसकी बात करते हैं। एग्रीकल्चर में आज हम बहुत साउंड है, बहुत उन्नतशील देश में हमारा भारत आता है। एग्रीकल्चर में क्रांति आ गई, ये क्रांति आई, हमारी जो वेराइटीज थी जो वो उसके स्टेप बहुत बड़े हुआ करते थे, उसकी जो बारी थी उसको ईयर कहते हैं वो छोटी हुआ करती थी, ठीक है। तो वो क्या है, वो जब हवा तेज चलती थी तो हमारी फसल गिर जाती थी, लेकिन एक बात स्टेप टूट जाता था, टूट जाने के कारण जो है फसल खत्म, चौपड़ जाती थी, आंधी आ गई, तूफान आया या कहीं तेज हवा चली तो वो टूट जाता था, पुरानी देसी गेहूं हमारा हो गया था। उसके बाद 1962 में मैक्सिकन व्हीट वेराइटी जिसको यंकी बोरलॉग ने डेवलप किया था, ग्वार मैक्सिकन हाइब्रिड व्हीट कहा गया उसको, उसको वहां से निर्यात किया गया मैक्सिको, और फिर उस अब हमारी जो थीम है उसकी बात कर रहा हूँ, स्वदेशी तकनीक में हमारी वो हम लोग आर्थिक फर्टिलाइजर गेहूं को गोबर की खाद देते थे, ये वेराइटी जब आई तो उसमें इसको गोबर की खाद भी है, इसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, तब उसमें ये हुआ कि उसमें यूरिया या रासायनिक खाद डाली जाए, रासायनिक खाद का प्रयोग होने लगा और उसके बाद भी प्रोडक्शन बढ़ा, और आज के डेट में हम 1962 में 10 मिलियन टन प्रोडक्शन था, और आज के डेट में हमारा जो 2023 का डाटा है वो 110.50 मिलियन टन पे पहुंच गए, और ये अब हम पहले हम आयात करते थे, हम निर्यात करते हैं, हम इस पोजीशन में पहुंच गए हैं, गेहूं दलिया के रूप में, और बच्चों को हम लोग जब छोटे थे दलिया बनती थी और वो दलिया जो है तो अमेरिका से आती थी, ठीक है।
दूध का पाउडर आता था अमेरिका से, हिंदुस्तान के गरीब बच्चों के लिए या उनके पोषण की कमी को दूर करने के लिए वो भेजता था। ठीक है, आज हम इनको अमेरिका से या किसी देश से हम कोई प्रोडक्ट नहीं देते हैं, क्योंकि हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। इसी तरह से तो बच्चों ये विज्ञान, अभी प्रजा जी ने कहा, रेखा जी ने कहा, सभी लोगों ने आपको बताया, जिस हिसाब से बताया कि हमको आपको धैर्य से काम करना है। कोई आविष्कार जब आप करेंगे तो बहुत जल्दी में नहीं हो पाएगा, जैसे अभी आप लोग बहुत जल्दी में हैं, ठीक है, पुण्य लगी होगी, ज्यादा समय मैं भी नहीं लूंगा, लेकिन एक बात आपको एक वैज्ञानिक की बात बता दूंगा कि कैसे कितने मेहनत से आप जब काम करते हैं तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, आपके FBI के डायरेक्टर ने पी पुष्पांगदन, वो साउथ इंडिया में गए थे कुछ सर्च करने के लिए, रिसर्च के काम से गए थे। तो रिसर्च का मतलब है जो कहीं पड़ा हो, पहले से काम किया गया है, अनएक्सप्लोर्ड है, नोन है, रिसर्च नहीं था, रिसर्च था। तो वो गए और उनके साथ में दो तीन लोगों की टीम थी, तो दो लोग तीन लोग थे उसमें, डायरेक्टर भी उस पांडन और उनके एक मित्र, दोनों चलते चलते इतना थक गए कि बेहोश हो गए। एक साथ उनका था तो भी बड़ा परेशान, वो भी गिरने की कगार पे थे। तब उसमें कई ट्राइबल्स वहां की महिलाएं थी, तो वो दौड़ ले गया कि कुछ पानी मिल जाए, कुछ मिल जाए। तो उस कई ट्राइबल्स को वो वहीं क्या बात क्या हुआ, तो देखा कि अरे सब थक गए, कुछ खाने को नहीं है, और उन्होंने कहा चल गए। और वो एक प्लांट था वहीं उनके आस पास में, उस प्लांट की दो तीन फल लेकर के आए और उसको क्रश करके और एक ग्लास में उसको मसल दिया और उसका स्ट्रैप निकल आया, उस स्ट्रैप को उनको पिला दिया कि उस पांडन को, देखिए वो क्यों बेहोश हो गए, आप तो सुबह से आए काफी गए हैं, उस दिन भर उसने उसी जंगल में घूमते रहे, प्लांट्स को सर्च करते रहे, एक एक परिस्थितियां जो थी उनको सर्च करते रहे। तो जब उसको पिलाया गया उनको तो एनर्जी मिली, और कुछ दिन कुछ देर के बाद बिल्कुल नॉर्मल महसूस कर रहे थे और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक अपने को महसूस कर रहे थे, उनको जो वीकनेस थी वो सब दूर हो गई। तो उन्होंने कहा कि बहुत सा प्लांट है ये जो आपने पिलाया है, तो उसके पास गए, प्लांट का फोटो लिया और प्लांट तोड़ा, उसको उनके जितने साथी सब लोगों ने किया उस प्लांट को, उसका स्ट्राइक, और उसके बाद उन्होंने उस प्लांट को उसके एनालिसिस किया, उसकी बायोकेमिकल एनालिसिस किया, तो देखा कि वो उसमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी थी, वो सेक्स स्टिमुलेटर था, उसमें डिजीज को वो फंगल और बैक्टीरियल डिजीज को दूर करने की क्षमता थी, और वो एंटीऑक्सीडेंट था, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज थी। और उन्होंने उस पर रिसर्च पेपर पब्लिश किया और ये पेपर पब्लिश हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस सर्च के लिए, इस रिसर्च के लिए उनको 3.5 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया। ठीक है, और उसके बाद उस पुरस्कार को उन्होंने क्या किया, उसी ट्राइबल एरिया में जाकर के उस पुरस्कार को सारा एक भी पैसा उन्होंने अपने पर नहीं खर्च किया, कहा इस ट्राइबल को जिन लोगों ने मेरी जान बचाई है उन्हीं के विकास के लिए मैं इसको डोनेट करता हूँ। उस क्षेत्र में गए और डोनेट किया, उन लोगों जिन्होंने भी मदद किया था उनका एड्रेस नोट किया, उनके मकान बनवाए और उनके यहाँ जो भी सुविधाएं जो चाहे मतलब आवश्यक थी वहाँ पे वो सारी सुविधाएं बन गई। फिर ये पेटेंट हो गया, पेटेंट होने के बाद फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने उसी जो पेटेंट हुआ तो इनको 3 करोड़ रुपए उस पेटेंट होने के कारण उस कंपनी ने जब उसकी जो दवा बनाई ट्राइकोपस जेनेरिकस उसका नाम है, ये दवा जो है वो इसका जो पेटेंट करने के बाद उसके जो उनको फायदा हुआ तो उनको 3 करोड़ रुपए और मिले, तो उसको उन्होंने आधा पैसा जो है फिर डोनेट किया जाकर के। मालूम है कभी किसी भी जगह जाएंगे आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं और ये सब छोटी छोटी जानकारियां हमारे बहुत फायदे के लिए होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। स्मृति शिशिर को माइक देती हूँ, करना है तो मन को हारे बैठो मत, जीवन में कुछ पाना है तो मन को हारे बैठो मत, चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे ही रह जाता,
चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे ही रह जाता। ठहरा पानी सड़ने लगता, पर बहता जल निर्मल कहलाता। धरती चलती, तारे चलते, चमक रात भर चलता है, और किरणों का उजियारा लेकर सूरज रोज निकलता है। चलो कदम से कदम बढ़ाकर, दूर किनारे बैठो मत मेरे प्यारे बच्चों। जीवन में कुछ बनना है तो मन को हारे बैठो मत, मन को हारे बैठो मत। ये था आपका, मैम ने आइंस्टीन की बात की थी, आपको मालूम होना चाहिए। तो आगे इस क्रम में मैं शिवशरण शुक्ला सर को आमंत्रित करूंगी कि सर आज इस कैंपस में हम अपने प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए आए थे। कल ही से यहीं पे हमारे विषय के विभिन्न सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षा चल रही थी। संयोग था कि कल ही इस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर रेखा शर्मा जी ने कल ही हमको इसके लिए इनवाइट कर लिया था कि इस कार्यक्रम में रहेंगे। हम भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि आज तमाम वैज्ञानिकों के विचार सुनेंगे। तो इस कार्यक्रम की संयोजिका मंच पर बैठी हुई डॉक्टर रेखा शर्मा जी, बॉटनी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सोहल जी, स्मृति शिशिर जी, अभय सीता सिंह जी, हमारे विभागीय डॉक्टर मनीषा पाल जी और डॉक्टर प्रियंका जी, तथा प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों के साथ साथ अगर जिज्ञास विद्यार्थियों का आ जाए, प्यारे तो सभी लोग होते हैं, लेकिन जो जिज्ञास होते हैं वही बहुत देर तक ज्ञानार्जन के लिए कहीं बैठे रहते हैं। कहा जा रहा है आज के युग को देखते हुए कि आज का युग पाठकों का युग हो गया है। पाठक माने रीडर्स, पढ़ने वाले लोग। तो अब अध्येता लोगों में रुचियां कम होती हैं, खाली किताबों को ही पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता है। किताबें तो तमामों किताबें लाइब्रेरी में हजारों लाखों की संख्या में रखी हैं, पढ़ने पलटने के लिए अगर लोगों में जिज्ञासा नहीं है तो किताबें दीमक खा जाती हैं और सद्ज्ञान लोगों को प्राप्त नहीं होता। बहुत सारे विद्यार्थी कॉलेज में आते हैं, कैंपस में डालते हैं, चले जाते हैं और ऐसे लोगों का सत्संग नहीं कर पाते। जीवन के कण कण में, पल पल में वैज्ञानिक घटनाएं घटती हैं, कहीं हम जान पाते हैं, कहीं नहीं जान पाते हैं। देखा जाए तो हमारे संपूर्ण शरीर की गतिविधियां ही वैज्ञानिक फैक्टर से संचालित होती हैं। हम जब भी नेशनल साइंस डे आज मना रहे हैं तो भी विभिन्न वक्ताओं ने बताया कि हम अपने देश के स्वाभिमान को सर्वोच्च रखते हुए हम स्वदेशी तकनीकी की बात करें। हम कब तक प्राचीन रहेंगे? प्राचीन काल में भी हमारा इतिहास रहा कि हमने दुनिया को रास्ता दिखाया है हर क्षेत्र में। यह ना सोचिए कि ये भारत ऐसा देश रहा जहाँ खाली साफ सफेदे साधु रहते थे। केवल अगर ये भी ना सोचिए कि वेद पुराण हमारे विज्ञान से रहित थे, हमारे वेदों में भी विज्ञान आज भी आप भूल सकते हैं। जब हमारी शिक्षा व्यवस्था तहस नहस हो गई विदेशी आतताइयों के आक्रमण से, उनकी कुचेष्टा से, जब हमारे साहित्य को नष्ट कर दिया गया कि हम दुनिया के ऊपर निर्भर करें, ये उससे बचने के लिए हम अपने पुनः स्थिति को बहाल करने के लिए हमने आत्मावलोकन किया और फिर सोचा कि हम कहीं विदेशी शिक्षा प्रणाली में ही सब कुछ ज्ञान का भंडार न समझें। हमारा अतीत स्वर्णिम रहा है, हमारे वेदों में भी, हमारे साहित्यकारों में भी, हमारे कवियों में भी, हमारे जो है अभी देखा है कि श्री रमन की बात जब आई तो दुनिया को उन्होंने दिशा दी, एक नया सिद्धांत दिया। तो हमें आत्मबल से हमेशा
प्रफुल्लित होना चाहिए, हमें हीन भावना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो पहले विचार करते हैं तब आगे बढ़ते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं। ये वैज्ञानिक चेतना के बारे में जब हमारे मन में जागृति आएगी, हम चिंतन करेंगे तब हम प्रयोग करेंगे, हमारी सोच पहले बदलेगी है, वो सभी शास्त्र कहलाते हैं हिंदी में, यह जाने कल वेद पुराण और तर्कों को शास्त्र कहते हैं। तो ऐसा हमारे विचारकों ने हमारे दार्शनिकों ने कहा है कि जो केवल सैद्धांतिक ज्ञान रख लेते हैं वो सफल नहीं होते, शास्त्राय अधिकता भवन्ति मूर्खा, शास्त्र पढ़ करके भी बहुत सारे लोग अंधविश्वासी अंधभक्त और दिग्भ्रमित होते हैं, कब वो उनको सार्थक ज्ञान होता है, यस्तु क्रियावान पुरुष विद्वान, जो व्यक्ति क्रियावान होता है, वर्कशॉप में काम करता है, प्रयोगशालाओं में काम करता है, निरीक्षण करता है, पर्यवेक्षण करता है, शास्त्र पढ़ता है, सिद्धांतों को पढ़ता है, पहले थ्योरी पढ़ता है, लेकिन उस थ्योरी पर जब प्रयोग करता है, निरीक्षण करता है, तो वो तत्व वैज्ञानिक होता है, विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है। ऐसे देखिए तमाम लोग किताबें पढ़कर पंचतंत्र में वहां ऐसी कथाएं हैं कि जहां पर खाली किताबों को रख दिया गया और अनुभव में अगर नहीं उतारा गया तो वहां पर मूर्खता ही प्रदर्शित होती है। अध्यात्म विद्या भी वैज्ञानिक संकल्पनाओं से ओतप्रोत है, और आप ऐसे लोगों का सानिध्य जरूर पाएं जिससे आपके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो पाए, क्योंकि कहा भी गया है कि सब संगति कथे किम न करो दिपोषाम, जो सज्जनों का, विद्वानों का, वैज्ञानिकों का, साहित्यकारों का संगति करेगा वो सब कुछ हासिल कर सकता है। अभी आप यहाँ ना होते तो कहीं कोई बच्चे पान का मसाला खरीद रहे होते, लड़कियां कहीं पर कुछ और गप मार रही होती, और यहाँ बैठ करके कितना ज्ञान का सार लोगों के द्वारा प्राप्त किया, और ऐसा ऐसी प्रेरणा मिली जिससे लोगों ने लक्ष्य बदल दिया होगा कि यहाँ हमको आगे बढ़ना है, चिंतन करना है, हमेशा रचनात्मकता के रास्ते पर ही चलना है। शिक्षा से जुड़े हुए विज्ञान को समझाया बच्चों, जैसे आत्मा के बिना परमात्मा, जैसे हमारे अंदर सांस है, ठीक है, इसी तरीके से अगर साइंस विज्ञान नहीं होगा तो शायद ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि आज के समय में हमारा अस्तित्व नहीं होगा, बचेगा नहीं। तो कोई भी पल ऐसा नहीं जाता है जहां पर हमें विज्ञान की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। तो बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा, और अब मैं इसी कड़ी में डॉक्टर शैलजा सिंह को यहाँ आमंत्रित करती हूँ कि वो आए मंच पर और सभी को धन्यवाद दें। डॉक्टर शैलजा सिंह, वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, श्रवण सर, शुक्ला सर एंड रेखा सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले heartfelt gratitude and thankfulness to Principal Sir on the behalf of NBS Degree College and on the behalf of our students, all the students, whether it's commerce, science, जो भी है, उन सभी के बिहाफ पे मैं थैंक रेखा मैम की, प्रिंसिपल सर की, जो भी इस तरीके के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं और आपको हर तरीके की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए, ठीक है। साइंस सिर्फ इसलिए नहीं है कि साइंस के बच्चे ही उसमें पार्टिसिपेट करें, साइंस इज इंक्लूडेड इन एवरी फील्ड। अगर आप साइंस को हिस्ट्री में जाएंगे तो शायद ग्रेविटेशनल फोर्स किसने डिस्कवर किया था, मैम? न्यूटन ने। न्यूटन ने। और आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस सबसे पहले इंडिया में डिस्कवर हुआ था इन 7th सेंचुरी, ठीक है, 7th सेंचुरी में ही इंडियन हिस्ट्री में अगर उसको खंगाला जाए तो 7th सेंचुरी में ग्रेविटेशनल फोर्सेस की डिस्कवरी हो चुकी थी। इसी तरह अगर हम मेडिसिन के उसमें जाए तो सुश्रुत, सुश्रुत का नाम सुना है, सुश्रुत सरिता, ठीक है, सबसे पहले उन्होंने सारी चीजें डिस्कवर कर ली थी मेडिकल साइंसेज में। लेकिन हम आज भी बाहर के ब्रिटिशर्स पे और एंग्लो इंडियंस और बाकी चीजों पे, बाहर की टेक्नोलॉजीज पे डिपेंडेंट है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ साइंस के स्टूडेंट्स इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करें,
हम चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट्स हमारे हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, जिससे कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए, क्योंकि आप सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट में आगे नहीं जाने वाले हो, बहुत वास्ट अपॉर्चुनिटीज है और उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए आपके पास बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए और हर सब्जेक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है।